अंजलि और निखिल के कहने पर मंदाकिनी वृंदा और बाबा के देव को देवराज बनाने की प्रक्रिया में बाधा डाल रही होती है। आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मिल। मंदाकिनी तू होश में तो है, गलत मंत्र बोल रही है। अभी अगर हम गलत या अधूरा मंत्र बोलेंगे तो 10 कदम और पीछे चले जाएंगे। हाँ, फिर से शुरू करती हूँ। आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मिल। इस बार मंदाकिनी की गलती पर बाबा आग बबूला हो जाता है। मंदाकिनी, तुझे बार बार टोकना क्यों पड़ रहा है? माफ कर दो, मैं फिर से शुरू करती हूँ। आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मत मिल, आज को भूल कल को मत मिल। मंदाकिनी, तू प्रक्रिया में दोबारा बाधा डाल रही है। तू जा यहाँ से, अब मैं और वृंदा ही इसे पूरा करेंगे। मंदाकिनी वहां से चली जाती है। निखिल और अंजलि अदृश्य होके ये सब सुन और देख रहे हैं। निखिल, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुमने मंदाकिनी को बाधा डालने को क्यों बोला? वृंदा और बाबा तो अभी भी मंत्र पढ़ रहे हैं। यू आर राइट, बट मंदाकिनी के मंत्र ना बोलने से मंत्रों की ताकत कम हो जाएगी और देव को देव बनने में टाइम लगेगा, और बस वही टाइम हमें हेल्प करेगा देव को बचाने में। अंजलि, गीतांजलि की मौत कैसे हुई? इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकती है। अंजलि गीतांजलि को आवाज लगाती है। गीतांजलि, 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 अगर तुम हमें सुन सकती हो तो प्लीज बात करो, एक बार प्लीज जवाब दो, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ अंजलि, बोलो। गीतांजलि, मेरे कुछ सवाल है तुमसे, और तुम्हारा दूसरा जन्म होने के कारण वो जानने का तो हक है ना मुझे? हाँ है, सारे जवाब देंगे हम, पूछो जो पूछना है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इसका जवाब बहुत मुश्किल है, पर तुम्हारी मौत कैसे हुई? देवराज को लगा हमारी मौत आग में जलकर हो गई थी, पर मैं काल कोठरी में थी ही नहीं। चंद ही दिनों में हम अपना सब कुछ खो चुके थे, अपना बेटा, अपने देवराज का भरोसा और अपनी पहचान भी। बस मैंने फिर ठान लिया था कैसे भी करके देवराज को सच बताना होगा, और उसमें हमारा साथ किशन ने दिया। उसने मुझे उस रात रहने के लिए जगह दी अपने घर, और अगले दिन देवराज से मिलने में हमारी मदद भी की। किशन सबकी नजरों से छुप छुपा के गीतांजलि को महल में वापस लेके आता है। महारानी, आप जा सकती हैं अंदर। देवराज, देवराज, हम जानते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, पर आपका सच जानना जरूरी है। देवराज, हमने नहीं मारा है अभय को, और काल कोठरी में हम नहीं थे। जैसे ही पर्दा खुलता है, गीतांजलि देखती है देवराज बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और उनके पास में मंदाकिनी और वृंदा बैठी हुई है। माँ, पकड़ ले उसे। मंदाकिनी ने हमारा हाथ पकड़ लिया और वृंदा ने हमारे मुंह में कपड़ा डाल दिया ताकि किशन तक आवाज ना जाए, और कुछ ही मिनटों में वहाँ पड़ा हुआ फूलदान हमारे सिर पर दे मारा। जब तक हमें होश आया, हमने देखा हमारे मुंह पर एक मांस का टुकड़ा बंधा हुआ था, और हम जंगल में जंगली जानवरों के बीच गिरे हुए थे। बस उसके बाद जो हमारे साथ हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ना हमें अपना सच बताने का मौका मिला, ना ही देवराज से मुलाकात हुई। मैं देवराज से हमेशा के लिए दूर हो गई। आज भी रत्नागिरी के लोग हमारे बारे में बातें बनाते हैं। किसी को लगता है हमने हमारे बेटे को मारा, किसी को लगता है हम एक राजा के साथ थे, किसी को लगता है हमें तो जलना ही था आग में। लेकिन सच कोई नहीं जानता, हमारे वृंदा और मंदाकिनी के अलावा। अफसोस ये भी है कि
अब कभी मौका भी नहीं मिल पाएगा खुद को निर्दोष साबित करने का। ये सब सुन निखिल और अंजलि भावुक हो जाते हैं। गीतांजलि, जो आपके साथ हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है, पर एक वादा भी है, आपको हम इंसाफ जरूर दिलाकर रहेंगे। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने इतना बुरा किया उनको भी सबक सिखा के रहेंगे, और ये हमारा वादा है। धन्यवाद। गीतांजलि, एक सवाल और था, वो जगह कौन सी थी जहाँ तुम्हें छोड़ा गया? रत्नागिरी का जंगल। गीतांजलि के चले जाने के बाद निखिल और अंजलि देव से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। देव, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। देख निखिल, तुझे जो बात करनी है तू कर सकता है, पर अंजलि से रिलेटेड कोई भी कॉन्वर्सेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, वो अजीब तरह के सपने फिर से आने लगे हैं, कुछ अनजाने चेहरे सपने में दिखने लगे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं ये हूं ही नहीं, कोई और चला रहा है मुझे। मुझे और परेशान नहीं होना अभी, आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। देव, एक बार प्लीज सुन तो ले भाई, फॉर ओल्ड टाइम सेक्स। ठीक है, 2 मिनट है अंजलि, जो बोलना है जल्दी बोलो। देव, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ शायद उससे तुम्हें धक्का लगे, पर हम हैं तुम्हारे साथ। अंजलि, प्लीज कम टू द पॉइंट। यस, तुम्हें जो इतने सालों से सपने आते हैं वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू योर पास्ट। व्हाट डू यू मीन? जिस महल और गांव का जिक्र तुम करते थे, जो तुम्हें हर दिन हॉन्ट करते थे, वो महल रत्नागिरी का है और उसमें बरसों पहले एक राजा रहता था, देवराज कुंभावत। ओके अंजलि, सो वो महल वही है जहां हम तीनों अभी खड़े हैं। व्हाट, आर यू मैड? इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? दिस इज नॉट अ जोक। जब मुझे पता चला मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल था। और तुमने सोचा ये झूठी कहानी तुम मुझे आके सुनाओगी और मैं यकीन कर लूंगा? एक बार सुन ले प्लीज। ओके, कंटिन्यू। देव, अब जो बता रही हूँ उसको सुन के शॉक लग सकता है, बट यू विल बी ओके। देवराज का दूसरा जन्म तुम लेके आए हो। व्हाट, व्हाट, दिस इज ऑल नॉनसेंस, ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये। नहीं देव, यही सच है। कोई सच नहीं है, तुम लोगों ने किसी से ये मनगढ़ंत कहानी सुन ली है और ट्रस्ट कर लिया है बेवकूफों की तरह। नो, वो देवराज मेरे सपनों में क्यों आएगा? क्योंकि देवराज का दूसरा जन्म लेके तुम वापस आए हो। देव, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देव प्लीज, इट्स नॉट अ जोक। टू मी इट इज, दूसरा जन्म एंड ऑल, कोई मानेगा इसे? मानना पड़ेगा देव, देवराज की बीवी का नाम गीतांजलि था और वो भी उसका दूसरा जन्म लेके वापस आई है, और वो मैं हूँ।